So hi guys, welcome back to another video. Hope you all are doing well in your life. और आप सब लोग कैसे हो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओ. और बाकी गर्मी जो है आ चुका है और एकदम खतरनाक वाला गर्मी आ गया है. बाकी आप देख सकते हो व्हाट ए सनी डे. पूरा भाई धूप निकला हुआ है, खतरनाक वाला धूप. और अभी जो है हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, मतलब गर्मी जो है ऑन टॉप. बाकी सनबर्न होगा अभी खतरनाक वाला. बाकी मुझे जो है ठंड का मौसम जो है ज़्यादा अच्छा लगता है राइड करने में. मतलब हालत ख़राब होता है बट अच्छा लगता है यार. विंटर्स, आई लव विंटर्स. और हम बाइकर्स के लिए एक बहुत मतलब बुरा बात होता है मडगार्ड, क्योंकि हम जो है मडगार्ड खोल के बाइक चलाते हैं ताकि बैक व्हील जो है पूरा अच्छे से दिखे. और अभी जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा. फुल नॉर्मल कैश टीम. सेवन हंड्रेड का फ्यूल आया 7.07. और ये वाले व्लॉग में जो है एक कैलकुलेशन भी करेंगे ना तो हमको जो है एक वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, माइलेज का एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा. मैं पहले रोक लेता हूँ बाइक. आप सबको पता ही होगा जो मेरे वीडियोस जो है फॉलो करते हैं या फिर देखते हैं, मैं टैंक टू टैंक जो है पूरा माइलेज काउंट करता हूँ. अभी 301 किलोमीटर है, मतलब लास्ट टाइम मैंने जब फ्यूल अप किया था उसके बाद मैंने मीटर पूरा रीसेट कर दिया था, तो 301 किलोमीटर हुआ है. और अभी जो है 7 किलोमीटर का वो हुआ है, 7.07 लीटर पेट्रोल अभी हमको डलवाना पड़ा. तो 301 डिवाइडेड बाय 7.07 42.5 भाई, 40 के ऊपर माइलेज आ रहा है. और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में, चलेगा. लुक्स भी तबाही वाला है और 42 का माइलेज आ रहा है तो भाई और ज़िंदगी में क्या चाहिए. ये 390 वगैरह अगर ले लूँगा बाद में तो तब तो भैया ख़त्म है ज़िंदगी. पूरा 20-25 माइलेज में जो है दिमाग ख़राब होएगा. अभी जो है इसको फिर से रीसेट कर दूँगा. 42 का माइलेज आ रहा है तो भाई बढ़िया है. और ये माइलेज और भी अच्छा हो सकता है. बाकी अगर मेरे व्यूवर्स में जो है कोई MT ओन करता है या फिर R15 ओन करता है तो मुझे आप लोग कितना माइलेज निकालते हो अपनी बाइक से वो मुझे ज़रूर कमेंट करना. इसके ऊपर भी जो है माइलेज निकाल सकते हो आप, बट मैं जो है पूरा VVA लगा के जो है बाइक को खींचता हूँ तो हाई RPM में चलाने से जो है माइलेज गिरता है नो डाउट. और इसलिए जो है 42 का माइलेज दिखा रहा है, वरना तो 45 के आसपास रहता है. तो अभी आप लोगों ने देख भी लिया भाई, 2 साल पूरे होने को है मैगी का.
और दो साल के बाद जो है माइलेज अभी दिखा रहा है 42, भाई ठीक ठाक ही है। बाकी चलने में बाइक जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो भैया एमटी ऑन टॉप। तो बाकी आप जो है आप लोग देख सकते हो ये दो कैन, अनयूजुअल फील हुआ होगा मेरे, होपफुली कैमरा सेटिंग्स सही दिख रहा है, मतलब कैमरा सेटिंग्स अच्छा है तभी जो है व्यू अच्छा खासा आ रहा होगा। और ये जो है चीज़ आप लोगों को मतलब कुछ नया देखने को मिला होगा मेरे बाइक पे। वैसे तो कुछ नया स्टिकरिंग का काम किया है, काम क्या बोलूँ भाई, कुछ एक दो वो स्टिकी टाप करके वो है ना वेबसाइट, तो वहाँ से जो है कुछ स्टिकर्स मंगवाए थे और क्लियो में भी पूरा चिपका दिया वो सारे स्टिकर्स, और मैगी पे भी दो चार जो है मैंने चिपकाए हैं, पता नहीं कैसा लुक्स आ रहा है। और साथ ही में जो है ये दो कैन भाई देख सकते हो, हाइड्रोलिक कैन जो है ब्रेम्बो ब्रेक्स में जो होता है उसका ये फेक वाला दो कैन लगवाए हैं। ये वैसे जो मतलब देखने को बहुत अच्छा लगता है, एकदम प्रीमियम लुक्स देता है बाइक को, एकदम जो है महंगे महंगे सुपर बाइक्स में जो होता है ना एकदम हाइड्रोलिक ब्रेक्स के लिए जो है ऐसे ऊपर रहता है, तो उसी जैसा जो है कॉपी वर्जन है ये सब, ये दोनों फेक है। बाकी ये यहाँ पे जो है ये आप नीला पाइप देख सकते हो, ये वाला एक नीला पाइप है और उसको जो है एम सील से मैंने पूरा वो कर दिया, पाइप को ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगहों पे जो है ऐसे टाई अप करके रख दिया है इन दोनों को, मतलब ऐसा दिखता है कि पाइप ऐसा मतलब देखने को ऐसा लगता है कि ये पाइप जो है पूरा नीचे तक गया है ब्रेक्स तक, पर ऐसा नहीं है, ये फेक है, मतलब बस शो ऑफ के लिए। बाकी देख मतलब अच्छा लगता है भाई सामने से देखने के लिए, तो इसीलिए इंस्टॉल करवा लिया, बट आप लोगों में रुक के भी दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे जो है पूरा स्टिंग बना हुआ है, यहाँ पे भी स्टिंग डाल दिया, यहाँ पे भी स्टील डाल दिया, तो दोनों कैंस में जो है स्टिंग डाला हुआ है। अभी सोच रहा हूँ कि ये रेड वाला स्टिंग को पूरा हटा के यहाँ पे ब्लू वाला कर दूँ और इसमें एक ब्लू लाइट इसमें एक रेड लाइट लगा दूँ, देखते हैं, बस दिमाग में ख्याल आ रहा है, होपफुली वो मॉडिफिकेशन भी होगा। बाकी एक बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था कि ऑनलाइन मॉडिफिकेशन का जो दुकान है ना ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे, भाई ये स्कैम है, सच में बोल रहा हूँ ये ख़तरनाक वाला स्कैम है। मतलब मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में दो तीन ऐसे मतलब इंसिडेंट हुए हैं, इसके बाद मैं मतलब पक्का बोल सकता हूँ कि आप अगर ऑनलाइन ये सब मतलब मॉडिफिकेशन का ये सब सामान मंगवाते हो ना तो प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा रहता है, और एज़ कम्पेयर टू आप लोगों का लोकल शॉप में जो प्राइसेस होता है, तो ट्राई करो कि थोड़ा सा आपके आसपास का एरिया में थोड़ा सा घूम फिर के ऐसे दुकान वकान विजिट करो मॉडिफिकेशन का, और सामान जो है वहाँ से ख़रीदने का ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको भाई साहब धूल देखो, ओए होए 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 डस्ट, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को सस्ते में मिल जाएगा। मैं आप लोगों के साथ, ओए भाई साहब, मेरा साथ मतलब जो जो इंसिडेंट हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी जो है ये मेरा प्रो टैपर का ये है ग्रिप, बट इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरा वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बोला हुआ था कि मैंने बाराकुड्डा का वो इंस्टॉल किया हुआ था ग्रिप्स, और अभी जो है वो ग्रिप्स मेरे भाई के RX 100 पर लगाया हुआ है और तो वो ग्रिप्स जो है मैंने पहले देखा नहीं, और अमेज़ॉन में गया ब्लू कलर का ग्रिप्स मैंने देखा, क्योंकि मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे ब्लू रखना चाहता हूँ, ये वाला थीम जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है, तो उस टाइम पे क्या हुआ मैं गया तो मुझे अमेज़ॉन पे वो बाराकुड्डा का वो मिल गया, ग्रिप्स मिल गए, वो समथिंग करीब करीब 700 का पड़ा होगा मेरा उस टाइम पे, तो 700 मैंने ऑर्डर कर दिया था 700 में, लेकिन उसके दो तीन दिन बाद जो है मुझे एक वेबसाइट मिला
अभी जो है मैं नाम भूल गया वेबसाइट का, अभी मतलब वो आज से जो है करीब करीब मतलब 4-5 महीने पहले का बात है। तो एक वेबसाइट मिला जहाँ पे मुझे सेम प्रोडक्ट बड़ाकुडा का वो जो ग्रिप्स है सेम प्रोडक्ट मुझे 450 में मिला। और अगर मैं वो जो है अगर ढूंढता मैं अपने लोकल शॉप में तब तो शायद से मुझे और मतलब नीचे मिल सकता था, उसी वेबसाइट में मुझे 450 का मिला। तो डिफरेंस देख रहे हो, अमेजोन में जो है मुझे वो 700 या 750 ऐसा समथिंग मेरा वो प्राइस दिखा रहा था, और उस वेबसाइट में जो है 450 समथिंग। तो मैंने ऑर्डर कर दिया और मैंने वो अमेजोन का जो है वो भी कैंसिल नहीं किया। और फिर जब दोनों प्रोडक्ट्स आए मेरे पास, मैं प्रोडक्ट दोनों का चेक किया और भाई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम प्रोडक्ट है। अमेजोन वाले जो है, अमेजोन का जो सेलर है वो जो है 750 में बेचा और उस वेबसाइट ने मुझे 450 में बेचा। तो डिफरेंस देख रहे हो, खतरनाक वाला स्कैम है। तो उसके बाद जो है मैंने वो अमेजोन वाला जो प्रोडक्ट है उसको मैं रिटर्न कर दिया, और उस वेबसाइट में से जो मुझे प्रोडक्ट आया था तो उसको मैंने इंस्टॉल करवा लिया। और बाद में मेरे साथ ये बाइक क्रैश हुआ था, तो उसके बाद जो है मैं वो वाला ग्रिप्स भी वो कर दिया, हटा दिया, और अभी जो है ये प्रो टेपर का ये ग्रिप्स है। बाकी ये ग्रिप्स भी बहुत बढ़िया है, ये ग्रिप्स लगाया हुआ करीब करीब 2 महीना हो गया है और भाई बहुत सही है, मतलब एकदम देखने के लिए ना बहुत क्यूट है, सही बोले तो क्यूट है। तो वो रहा एक पहला स्कैम ऑनलाइन मार्केट। और दूसरा है रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मैं ये कैन ढूंढ रहा था, मतलब मुझे मैंने जो है लोकल शॉप में एक दो में पूछा था तो वहाँ पे जो है नहीं था, तो मैं ऐसे फ्लिपकार्ट में गया। ये करीब करीब मुझे 850 समझ रहे हो, 750 या 850 का था एक कैन। तो मैं 2 कैन ऑर्डर किया, आपका करीब करीब आपका 750 समथिंग था, तो 1500 रुपये का मैंने 2 कैन ऑर्डर किया। फिर ऑर्डर किया, मतलब ऑर्डर आया नहीं था, मैंने ऑर्डर कर दिया था, मेरे पास प्रोडक्ट आया नहीं था। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मतलब इसको लगवाने के लिए नट वगैरह तो ख़रीदना पड़ेगा, तो मैं एक दूसरे वाले शॉप में गया, वहाँ पे मैं बोला कि ये भैया ये मिरर का नट कितना साइज़ है इसका, ये बोल्ट कितना साइज़ है, वो सब पूछा मैं उन लोगों से। तो उन लोगों ने बोला क्यों चाहिए, मैंने बोला कि ऐसे हाइड्रोलिक कैंस है इंस्टॉल करवाने हैं मुझे, तो उसने बोला कि पहले आप एक काम करो, वो प्रोडक्ट पहले आ जाने दो, उसके बाद आप यहाँ पे लेके आना और हम इंस्टॉल करवा देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, फिर आ गया मेरा प्रोडक्ट, मैं 1500 रुपये में ख़रीद के लाया उन लोगों के पास, और मैं बैग में ही था, मैं उन लोगों को दिखाया नहीं था, बट सेम प्रोडक्ट जो है मुझे उन लोगों के मतलब वहाँ पे दिख गया उन लोगों के दुकान पे। फिर मैंने लोगों से पूछा कि कितने का प्राइस है ये, उन लोगों ने बोला कि 350। भाई समझ रहे हो हैं, समझ रहे हो क्या स्कैम है, मैं फ्लिपकार्ट से ख़रीदा 750 और सेम प्रोडक्ट सेम बॉक्स मेरे बैग में है और उन लोगों के दुकान में 350। तो मैं लोगों को बोला ही नहीं कि मैं बैग में लाया हूँ, मैं बोला कि भाई ये वाला इंस्टॉल कर दो आप। फिर ये आपका 350 700 और फिर ये सब नट वगैरह सब कुछ इंस्टॉलेशन लेके 100 रुपये, मतलब 850 समथिंग गया था मेरा, ये दो इंस्टॉल हो गया। तो सोच रहे हो भाई क्या है, फ्लिपकार्ट वाले जो है आपको 1500 रुपये में बेच रहे हैं दो प्रोडक्ट, मतलब दो कैन, और मैं 800 रुपये में इंस्टॉल करके ये नट वगैरह सब कुछ ले के स्टिंग विंग डाल के मेरा हो गया। तो भाई ये जो मॉडिफिकेशन मार्केट है ना, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन ये यहाँ पे अगर आप मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब आप एकदम ख़तरनाक वाले जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे मतलब ये ऐसे दुकान नहीं है, तो तब तो कोई मतलब उपाय नहीं है, आप ऐसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से आपको मंगवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके टाउन में अगर ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन का दुकान है, तो ऐसे फट से आप लोग जो है ये मॉडिफिकेशन का पार्ट जो है मत खरीदो, सच्ची बोलो मत खरीदो, क्योंकि आप लॉस में रहोगे, सच्ची बोलो लॉस में रहोगे। मेरे साथ ये रिसेंटली 2 केस हो गए ये सब, तभी मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं भाई मतलब ऐसा भी होता है, पैसे ज़्यादा लेते हैं
और उसके पहले भी हुआ था मेरा लुकिंग ग्लास। अरे माई का भाई, क्या है क्या है क्या है भाई, इंडिकेटर्स तो दिए ही नहीं, क्या फालतू लोग है भाई, इंडिकेटर्स दिए ही नहीं है भाई पूरा ऐसे। ये देखो एक रॉन्ग साइड, ये देखो भाई ट्रिपलिंग, नो हेलमेट, रॉन्ग साइड भाई। ऐसे ऐसे बंदे रहेंगे ना, बहुत मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। आप तो दूसरों को ब्लेम ना करो, खुद ही अच्छे से चलो, क्योंकि आपका लाइफ भाई खुद के देखो। अरे बहुत तबाही भाई, लोग बहुत तबाही है इधर, आपका लाइफ है, खुद को ही बचाना पड़ेगा। तो मैं मेरे अगर एकदम पहले जो मॉडिफिकेशन था उसमें मैंने यहाँ पे बार एंड मिरर्स फिट किए थे, वो मैं ऑनलाइन मंगवाया था कम से कम 450 और 500 समथिंग, और कोई बोले ग्लासेस जो है एक दुकान में मुझे 300 का बोल रहा था, बोला कि ये तो ग्लास 300 का है। तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ये अमेजोन फ्लिपकार्ट से, आप अगर बाय करने जाओगे ये सब मॉडिफिकेशन का पार्ट्स तो आप वो सब अवॉइड करो, आसपास के दुकान में जाओ, उधर पूछो, वहाँ पे जो आप लोगों को कम दाम में मिल जाएगा। बाकी ये कैंस भाई कैसे लग रहा है मुझे बोलना, ताकि मैं बाइक रोक लेता हूँ, आप लोगों को फ्रंट का जो व्यू है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। बाकी एक दो स्टिकर्स भी मैंने लगवाए थे, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ओ भाई साहब, बाकी ये देख सकते हो मडगार्ड, इसको भाई लगवाना पड़ा क्योंकि 2-3 दिन जो है बारिश हो गए थे हमारे यहाँ पे, तो मडगार्ड जो है मुझे लगवाना पड़ा, क्योंकि भैया जो छींटे हैं ना एमटी जो है शॉर्ट है, तो छींटे जो है पूरा ऊपर तक आता है, तो लगवाना पड़ा। बाकी ये नया स्टिकर है एक्रापोविक का, ये मोटूल ये तो बेहद पहले से ही था, और बाकी ये ट्रांसफॉर्मर्स का एक वो किया स्टिकर, और यहाँ पर जो है वेस्टेड ये वाला नया स्टिकर है। बाकी सामने से आप लुक देख सकते हो, और दोनों कैंस जो है कैसा लग रहा है देखने को आप बोलिए भाई, मुझे तो बहुत सेक्सी लग रहा है। बाकी आंखें जो है एमटी का भाई साहब खतरनाक, और यहाँ पे कुछ स्टिकर वगैरह है कि नहीं, बाकी ये है ओवरऑल मतलब सेम ही है, बस ये दो कैन ने वाला जो है इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी आप बोलो भाई मेरा मैगी का लुक कैसा है, अगर बोलो, अगर कोई जो है नया मतलब वीडियो उसमें आए हैं ना तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी ये दो बाइक पे कोई बैठता नहीं है वैसे, तो अगर कोई नया मतलब बंदे अगर वीडियोस देख रहे हो ना तो जो है सब्सक्राइब जरूर करो। और मैं अभी एक दो रील बना लेता हूँ कि भाई वो इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने जो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो, चिंटू नेओक अंडरस्कोर ऑफिशियल, मुझे इंस्टाग्राम पे जो फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पे मैं डेली जो है एक्टिव रहता हूँ, और आप लोग कुछ अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, वहाँ पे रील्स वगैरह देख सकते हो। मैं जो है थोड़ा सा रील शूट कर लेता हूँ। बाकी ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताना, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।